नहीं है सर, अपने अपने प्लेसेस से आ रहे हैं। बड़े प्राउडली बताऊं सर, इस स्कूल का पहला बच्चा निखिल दुग्गड़ जो पहला एस स्कॉलर रजिस्टर बेस्ट स्टूडेंट है, वो भी कल आ रहा है हैदराबाद से। उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने फाइनली उसके एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया कि बच्चा अगर हमारे एलुमनी मीट में होगा तो हमारे लिए ग्रेट ऑनर होगा, वो भी आ रहा है। बच्चे दुबई से भी आ रहे हैं सर, कल अलग अलग प्लेसेस से आ रहे हैं। तो अचीवमेंट्स की जहां तक बात है, तो एकेडमिक अचीवमेंट ही मैं एज ऑफ नाउ बता सकता हूँ सर। आप बिलीव करिए सर, इस स्कूल से मुझे ऐसा लगता है कि ए गुड नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव प्रोड्यूस्ड। अगर आप बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर किसी भी स्कूल से मैक्सिमम कहीं से निकले हैं तो हमारे स्कूल से निकले हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो अच्छी अच्छी, मतलब मैं आप किसी इंडिविजुअल को कोट करते हुए यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इतना कन्फर्म्ड है कि बीकानेर खुद एक एविडेंस है इस चीज का कि बाफना स्कूल ने बीकानेर को एक अच्छा आउटपुट दिया है, एक अच्छे स्टूडेंट्स ये हैं जो आज अच्छे अच्छे प्लेसेस पे सेटल हैं। हमारे पास उन बच्चों का डेटा है, बड़ी खुशी फील होती है। और ये चीज बताऊं सर, ये जो एलुमनी मीट की हमने थीम रखी है इंडियन यूथ प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस फॉर ग्लोबल कॉम्पिटेंसी, उसका रीजन भी एक ही था कि आप जो सर बिल्कुल देखिए, कल मैंने बताया कि 170 स्टूडेंट्स का एलुमनी रजिस्टर हुआ है सर। मैं आपको शेयर करूंगा कि हमने एक फॉर्मल प्रोसेस यूज किया था, दिया है 200-250 बच्चों से हमने शुरू किया, आज 3000 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमने एक अपनी लाइब्रेरी समझा कि सिल्वर जुबली मनाएं। और इस सिल्वर जुबली प्रोग्राम की खासियत ये है, अगर आपने नोटिस किया हो कि हर स्टेक होल्डर को हमने टच किया है। आज सुबह मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का ऑनर किया गया विद फैमिली, विद उनके पेरेंट्स, शाम को स्टाफ का ऑनर है विद फैमिली, कल हमने बीकानेर के डिग्निटरीज के लिए प्रोग्राम रखा है, इवनिंग में कल हमने अपने एलुमनी के लिए प्रोग्राम रखा है। तो कोशिश यही है कि बीकानेर को किसी भी तरीके से धन्यवाद कर सके, तो उनका एक एब्सोल्युटली जो हमें 25 साल से साथ मिला उस कॉन्ट्रीब्यूशन का दूसरा राउंड को हम एक तरीके से रिवर्ट कर सके। अभी एज ऑफ नाउ तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, बस यही है कि हम ये जो 2 दिन है इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं सर। बोला जी, यस सर, और बाफना जी का पूरा परिवार। पहली बात तो कि आप लोग साधुवाद के पात्र हैं कि बहुत अच्छी मिसाल आप लोगों ने, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ गंगाशर ने वरुण पूरे संभाग में दी है, पूरे संभाग में इसी रूप से ये परिवार साधुवाद का पात्र है। बोला जी, जैसे आपने अभी कुछ बताया, 2-3 बातें शेयर करना चाह रहे होंगे। एक तो गरीब बच्चे जो हैं आरटीई के तहत, क्या उनको भी दाखिला उसी हिसाब से संस्थान में दे रहे हैं? सर बिल्कुल, एज पर द पॉलिसी, एज पर द नॉर्म्स, जब से आरटीई ही शुरू हुआ है हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं एग्जैक्टली उनको फॉलो किया जाता है, और उसके बाद उसका ऑडिट भी जैसे गवर्नमेंट के थ्रू होता है वैसे ही होता है। और मैं हल्का सा एक चीज इसमें एड ऑन करूँ, हमारा खुद का एडमिशन